तो दोस्तों आज हमने ये एक आर्डुइनो सर्किट बनाया है जिसमें आप देखेंगे कि हम ब्लूटूथ से इस लाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये मेरा डिवाइस मोबाइल इससे पहले कनेक्टेड है हमारे आर्डुइनो से, ये हमारा ब्लूटूथ सर्किट लगा हुआ है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये LED है जो हमारी ये यहाँ से ऑन हो गई है, ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये ऑन होगा, अब ये बंद होगा, ये ऑन होगा और ये बंद होगा। इसमें एक इंडिकेशन यहाँ पर भी शो करेगा, ये इधर भी, जैसे हम LED को ऑन करेंगे ये देखें ये बंद होगा, ये ऑन होगा। और अगर आप इसके सभी कनेक्शन देखना चाहते हैं तो कनेक्शन हमने किए हुए हैं इसके, जो हमारा फर्स्ट 5 वोल्ट होगा यहाँ पर 5 वोल्ट आर्डुइनो के 5 वोल्ट पर ग्राउंड, सिंपली से डायरेक्ट ग्राउंड पर कनेक्ट करना है हमने। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो ये TX होगा, जो हमारे ब्लूटूथ का TX है, वो यहाँ पर हमारे आर्डुइनो के RX से कनेक्टेड है। और इसी प्रकार हमारा आर्डुइनो ब्लूटूथ का RX आर्डुइनो के TX से कनेक्टेड है। और जो हमने इसकी आउटपुट ली है वो हमने 13 नंबर पिन और ग्राउंड से यहाँ से हमारी आउटपुट मिलेगी। इस प्रकार हमने इसके सभी कनेक्शन किए हैं। उसके बाद हमारा कोड मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर देता हूँ। आपने ये वाली ऐप डाउनलोड करनी है आपने, इसमें ब्लूटूथ आर्डुइनो ब्लूटूथ कंट्रोलर, मैं प्ले स्टोर पर दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमारी फर्स्ट ऐप है ये मैंने डाउनलोड की है, ये वाली ऐप आपने डाउनलोड करनी है। यहीं से मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये HC के नाम से हमारा जो ये ब्लूटूथ है ये शो करेगा, इससे हमने इसको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिर्फ हम अभी हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो हम सिंपल लैंप के लिए हमने ये सर्किट बनाया है। तो ये एक बार कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट हो गया तो अभी ये यहाँ से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये ग्रीन का मतलब है हमारा ऑन करने के लिए ग्रीन है, अभी ये यानी कि लाइट हमारी ऑफ है। रेड अब ऑन हो गया तो रेड इंडिकेशन आएगी। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।